भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन खाप पंचायतों पर चौधरी ऋषिपाल अम्बावता क्वावार। किसानों की समस्याओं को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता सहित देश भर से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप तो लगाया ही, साथ ही महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर कहा, हम महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं, मगर खाप पंचायतों में सरकारी दलाल घुसे हुए हैं, नहीं तो इसका फैसला जल्द हो जाएगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नव भारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। 3 दिन का चिंतन शिविर है यहाँ, मेरे ख्याल में 20 राज्यों से लोग यहाँ आए हैं। और जो ये चिंतन शिविर है, ये है कि जो किसान के साथ भेदभाव की नीतियाँ सरकार कर रही है, उसके लिए आंदोलन की रणनीति तय करना, उसके लिए आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। सबसे पवित्र स्थान है, यहाँ से कोई रणनीति तय करके पूरे देश में आंदोलन की भी रणनीति हम लोग तय करें। सबसे बड़ी दिक्कत इस सरकार से ये रही कि 9 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ किसानों को मारा, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे किसान का कर्जे का मामला हो, पूरा समय निकल गया। 750 किसान शहीद हुए, सरकार ने कभी उप तक नहीं कही, एक बार भी ये नहीं कही कि भाई किसान के बच्चे, किसान आज आत्महत्या कर रहा है, कर्जे में महंगाई का क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार देख लिया 9 साल।